भाजपा के स्थापना दिवस पर देश प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। जेपी नड्डा ने किया पार्टी का ध्वजारोहण। जयपुर में पूनिया ने फहराया पार्टी का झंडा। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज, सीएम की अध्यक्षता में होंगे कई अहम फैसले। सिंगल विंडो सिस्टम को लेकर भी मुख्यमंत्री लेंगे मीटिंग। करौली में पांचवें दिन भी कर्फ्यू जारी। कर्फ्यू के कारण लोगों को हो रही भारी परेशानी, तो पुलिस ने पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर सहित 35 लोगों के खिलाफ दर्ज किया नामजद केस। बीकानेर के लूणकरण सर में दर्दनाक सड़क हादसा। कैंपर और मिनी ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की गई जान, 2 गंभीर घायलों का इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों से मुठभेड़। 2 आतंकियों को किया ढेर। त्राल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पेट्रोल और डीजल के दाम हो रहे बेकाबू। आज पेट्रोल 88 पैसे और डीजल में 81 पैसे महंगा। 16 दिनों में 14वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। रूस और यूक्रेन के भीषण संग्राम का आज 42वां दिन। पुतिन आर्मी के घातक प्रहार से तबाह हुए यूक्रेन के कई शहर। हर तरफ से सामने आ रही बर्बादी की तस्वीरें। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में आर्थिक संकट से राजनीतिक उठापटक। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने किया आपातकाल हटाने का ऐलान। श्रीलंका में जल्द हो सकता है सर्वदलीय सरकार का गठन।